हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरर यादव। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन शुरू करते हैं। ऑफिस जा रहा हूँ और सेम वही फर्स्ट वॉक घर से मेट्रो तक की। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सुबह यहीं से हमने स्टार्ट किया था और शाम को यहीं पर आ रहा है। पूरे 12 घंटे हो चुके आ रहा है। हाँ, 12 घंटे। अपन लोग आ गए घर पे और मैंने चेंज कर लिया जीन्स और बिट्टो मेरे साथ में है। कैमरामैन कौन है देखो, दिखाओ कैमरामैन। गन्ना यादव, मास्टर एक्सप्लोरर यादव। और ये मिनी तो चेंज कर दिया मैंने अभी। ये देखिए कैसे आ रही है पिट्टी। आ गई। तो हमने जूते पहन लिए हैं, ये देखो, और ये पुराने वाले जूते हैं मेरे जो मुझे बहुत पसंद है। टोकरी से लगी ये आलतू फालतू चीज है शो पीस की, ये देखो। दो संतरे लिए हैं प्री वर्कआउट में, तो जाते जाते रास्ते में खाऊंगा। और आज हम क्या लगाएंगे, आज हम पुश लगाने वाले हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप, क्योंकि लास्ट हमने लगाया था बैक बाइसेप। तो अभी मैं कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें कि कुछ विंडो तक खाना होता है और कुछ विंडो तक हमें फास्टिंग करनी पड़ती है। तो मैंने पहले फॉलो की थी 16:8 जो कि नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑफिस से आते आते लेट हो जाता है। तो मेरा 12:00 to 8:00 का था विंडो जो कि एक्सटेंड हो जाता है 10:00 to 11:00 तक, कभी 12:00 तक। तो मैं सोच रहा हूँ 12:00 to 12:00 कर लेता हूँ अभी, फिर 16:8 बाद में करेंगे। और फर्क पड़ रहा है डेफिनेटली, पहले मैं कहता था आगे मैं कहता हूँ। तो सारी चीज़ें सारी रिपोर्ट वगैरह मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा और सब देखने के लिए बने रहो ब्लॉग में। चलो अभी फटाफट एक्सप्लेन करते हैं और दिखाते हैं आपको। Yeah. Shawty loves it, yeah. Loves that I'm a dog. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. Lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flaws, yeah. I'm on the way, tell him I don't play. Yeah, I'm on the move, tryna get my pay. Yeah, I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah. Manifest this year, 7+ on the roads. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah.
ये दो हफ्ते पहले मेरा था 115 किलो के आसपास, 115 साढ़े 115 तो दो हफ्ते में अराउंड 2.5-3 किलो कम हो गए सिर्फ वॉक करने से, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत कम हो रहा है तो फ़र्क पड़ रहा है, और जब डाइट हम करेंगे शुरू तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा। बैक गाइस, जिम हो चुकी है अपनी और पहुँच के घर पे, चेंज वेंज कर लिया, जूते उतर उतार दिए और बस थोड़ा सा बैठा था, सोचा ब्लॉग की एंडिंग कर देता हूँ। कैमरा मैन हमारे गन्नू है धर यादव, और तो अभी मैंने एक वेट का स्क्रीनशॉट डाला था, मैंने एक वेट का स्क्रीनशॉट डाला हुआ, उसमें अभी जो मेरा वेट करंट वेट चल रहा है 112.5, क्योंकि दो हफ्ते पहले था 115 किलो। दो हफ्ते में 2.5 किलो वेट लूज़ हो चुका है, और इसका मेन रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैं वॉक करके जाता हूँ, और अभी मेरे स्टेप हो चुके हैं 15,700। तो डेली का एवरेज जो है मेरे 16,000 स्टेप्स हैं, क्योंकि मैं वॉक करता हूँ डेली, और जिम सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट लगा पाता हूँ यहाँ से, क्योंकि लेट हो जाता है ऑफिस से आते आते, और फिर 10 बजे जिम बंद हो जाती है। तो वॉक करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है, तो अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं और जिनको फिट रहना है वो वॉक कर सकते हैं डेली आधे घंटे की, और अपना डेली टारगेट रखो कि हाँ भाई 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं, तो आधी फिटनेस तो उसी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी फिर डाइट पे डिपेंड करता है। तो डाइट के लिए मैं अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, जो कि मेरा एम तो था 8:16 का, तो हाथ रख लिया तुमने उस पर, तो जो मेरा एम था वो था 8:16, मतलब 8 hours ईट और 16 hours फास्टिंग, जो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा ऑफिस ही मतलब आने जाने में लॉकडाउन में ही 12 घंटे लग जाते हैं, तो वहाँ पे कहाँ खाऊंगा मैं, आते आते लेट हो जाता है मुझे, तो सोच रहा हूँ 12:12 रखूँ उसको, वो भी कोई बड़ी वीडियो नहीं है, वो भी ठीक है, और हर चीज़ एकदम से नहीं करना चाहिए, रैपिडली भी करना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी रिजल्ट आते हैं उतना ही ज़्यादा वो चीज़ ख़राब होता है, तो स्लोली स्टडली आप वेट लूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यही एम है, 1 वीक के हिसाब से 0.5 किलो या 1 किलो कम करते चलेंगे अपन, और फिर धीरे धीरे डाइट वगैरह भी फॉलो करेंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो बने रहो मेरी फिटनेस जर्नी में साथ में, और ऐसे ही वीडियोस में लाते रहूँगा पूरे फिटनेस सीरीज़ पे। तो आज का ब्लॉग अपन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक्सरसाइज की डिटेल वगैरह मैं पहले दे चुका हूँ सारी, जो कि आप सुन चुके होंगे, और आगे भी देता रहूँगा। सो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।